हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएफटी डिटेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके पास मान लीजिए कि दो अलग अलग आईएसपी का नेटवर्क आप चला रहे हो। आप एक ऑपरेटर हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, और आपके पास दो या तीन, मान लीजिए मल्टीपल आईएसपी से आपने बैंडविड्थ लेके रखा हुआ है। आप मल्टीपल आईएसपी का सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम में आपको मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक आईएसपी का नेटवर्क दूसरे आईएसपी के नेटवर्क के साथ ना मिले, ठीक है। एक आईएसपी को जो कस्टमर आपने दिखा है, दे के रखा है, वो दूसरे आईएसपी से टोटली एकदम से आइसोलेट रहे, तो उस टाइम में आप कैसे नेटवर्क को चलाएंगे? उसके लिए दोस्तों, आप हर एक आईएसपी को अलग अलग वीलैन पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको यही चीज दिखाने वाला हूँ कि विशोल का, अगर मतलब विशोल का, ये मतलब कोई भी हो, साइरोटेक का हो, आपका डीबीसी का हो, नेटलिंक का हो, ये आपका सिक्योर आई का हो, किसी का भी हो, ओएलटी विशोल का होना चाहिए, या एमआरओ टेक का हो, या किसी का भी हो। अगर आपका ओएलटी विशोल का है, तो आप इसमें कैसे करेंगे कि हर एक आईएसपी को अलग अलग वीलन पे कैसे चलाएंगे? दोस्तों, इस ओएलटी में मैंने ऑलरेडी कन्फिगर किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने अपलिंक पोर्ट पर आ जाइए। देखिए, हमारा यहाँ पे टोटल जो है दो अपलिंक है, दो आईएसपी हमारा इसमें आया हुआ है। एक जो है ये हमारा आईएसपी टू मानते हैं इसको, एक आईएसपी टू हमारा 8 नंबर पोर्ट पर आया हुआ है, और जो आईएसपी वन है वो 5 नंबर पोर्ट पर आया हुआ है। आईएसपी वन को हम 1 नंबर मतलब डिफॉल्ट पे चलने दे रहे हैं, लेकिन जो आईएसपी टू आया है, आईएसपी टू देखिए सामने से मेरा आईएसपी मेरे को विलन नहीं दे रहा है, तो दोनों ही आईएसपी मेरे को डिफॉल्ट पे देख रहा है, मतलब वो विलन वन पे ही देख रखे हो। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई, अगर आपको कोई विलेन मेंशन नहीं करता है, तो इसका मतलब होता है विलेन वन। तो मेरा आईएसपी वन जो है वो भी मैंने ओएलटी में डाल दिया 5 नंबर पोर्ट पे, और आईएसपी टू मैंने डाल दिया है 8 नंबर पोर्ट पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इस जगह पे मेरा आईएसपी वन जो है डिफॉल्ट विलेन पे चलेगा, तो मैं इसको यहाँ पे पीवीआईडी में, जो यहाँ पे पीवीआईडी होता है, आप जो देखिए, आपको ओएलटी में अपने ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपलिंक पोर्ट में जाना है, और अपलिंक पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन में चले जाइए, कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी इनपुट जो हो रहा है, जो आईएसपी का, आईएसपी की इनपुट को हमेशा यार देखिए आइसोलेट करके, आईएसपी का जो भी इनपुट होता है, हम लोग उस पोर्ट को हमेशा आइसोलेट रखते हैं। तो हमारा जी वन में हमने आईएसपी वन डाला हुआ है, जी टू में, जी एट में हमने आईएसपी टू डाला हुआ है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम जी टू वाले को एक विलेन पे चलाएंगे। तो हम मान लेते हैं 2552 विलेन यहाँ पे हमने पीवीआईडी में सेलेक्ट कर दिया है। तो पीवीआईडी में जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तभी आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाइए, जिस विलेन पे आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2552 पे बनाना चाहता हूँ, तो 2552 डालूंगा। जो भी इसका नाम आप देना चाहें दे दीजिए, और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा 2552 हमने देखिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये 252 2525 हमारा ये विलेन है, हमारा सेकंड आईएसपी के लिए हमने बना लिया। विलेन बनाने के बाद मेरा जो पहला काम होता है, मेरे को अपलिंक पोर्ट में जाना है, जिस पोर्ट से मेरा आईएसपी इन कर रहा है उस पोर्ट पे हमको पीवीआईडी में जाना है, और पीवीआईडी में जाना, जो मैंने विलेन उसके लिए साइन किया उसको हमें डाल देना है। तो मैंने 2525 यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ओके। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेज है, वो हमको विलेन में फिर से जाना है, विलेन में जाकर हमको विलेन पोर्ट में चला जाना है। अब देखिए, विलेन पोर्ट में आपने 2525 बनाया है, तो 2525 में आप चले आइए। आपका कितने नंबर से लिंक आया है, जिस पोर्ट से आपका लिंक अप आया है उसको आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आप सबसे क्या किए हमने, वीलन में गए हैं, वीलन में जाके वीलन पोर्ट में, फिर हमने
विलेन आईडी सेलेक्ट किया है, उसको हम क्या करेंगे, जिस पोर्ट से हमारा लिंक इन हुआ है हम लोग उसको अनटैग कर देंगे। ठीक है, हम उस विलेन को अनटैग करेंगे। 2525 में हमारा क्या रहेगा, GE8 अनटैग रहेगा। और अब आपको ये मेरा चार पोन का क्वालिटी है, चार पोन आउटपुट हुआ है यहाँ पे। तो जो जो पोन से हम चाहते हैं कि मेरा ISP2 चलेगा, हम उन सभी पोन पे टैग कर देंगे। अच्छा, और देखिए उसके बाद जितने भी अपलिंक पोर्ट हैं G1 से लेके G7 तक, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने उस पे सब पे फॉरबिडन कर दिया। इसका मतलब कि मेरा 2525 पोर्ट जो है इन सब पे ट्रेवल नहीं करेगा, नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, हो गया। इसके बाद आप इसको सबमिट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए मेरा जो डिफॉल्ट है, मतलब जो मेरा डिफॉल्ट जो विलन होता है वन, तो मेरा डिफॉल्ट जो ISP है वो मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया, उसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। वो सभी पे अनटैग है, ओनू पे भी वन टैग रहेगा, सभी जगह वन टैग है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जब आप इसके लिए कस्टमर को आप 2525 के लिए करेंगे, तो यहाँ पे आपको जिस पोर्ट पे आया उस पे अनटैग रखना है, और जिससे आपको निकालना है उसको आपको। अब सपोज के लिए एक और आपका ISP है, ठीक है, वो आपका आया है 7 नंबर, तो 7 नंबर पोर्ट को उस पे अनटैग करेंगे और ये पॉन 1 2 3 4 पे उसको टैग कर देंगे। ये तो हो गया। अब कस्टमर एंड पे जब आप ओनू लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, तो देखिए सभी को ओनू में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करके वहां पे आपको विलन को कॉन्फिगर कर देना है। विलन में आपको डाल देना है 2525 और कुछ नहीं, एकदम प्लेन। जब आप जैसे भी ओनू में आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहां पे आप उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब मैं देखता हूँ इसमें कोई अगर ओनू अगर हो, विशाल का ही अगर कोई ओनू मिलता है तो मैं आपको उसको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे करना है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो। यहाँ पे आप उसको उसको टैग रख के यहाँ पे आप बस PBID में डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और जो लोग OLT से कन्फिगर नहीं करते हैं उनको ONO में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करके जैसे BSNL में आप जिसका भी आप कन्फिगर करते हो वहाँ पे VLAN टैग करते हो, आपको ONO के अंदर में वो टैग कर देना है, आपका वो ISP चलेगा। टैग नहीं करोगे तो आपका डिफॉल्ट VLAN 1 पे जो ISP है वो चलेगा। और अगर आपको मान लीजिए वो भी देखना है कि कैसे आप ONO के अंदर में VLAN टैग करेंगे यहाँ पे करने के बाद, तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर भी एक इसी का एक सेकेंड पार्ट आपको बना देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आज आपको बताया आप दो या तीन अलग अलग ISP को टोटली आइसोलेट करके, कि मतलब एक ISP का नेटवर्क में अगर कोई इशू आता है तो दूसरे ISP में इशू ना आए, उसके जैसा आपको अगर नेटवर्क चलाना है तो आप इस तरीका से चला सकते हैं। और ये सिर्फ देखिए ISP के लिए नहीं, जैसे सपोज कीजिए कोई अगर बहुत बड़ा किसी का वेयर हाउस है या ब्रांचेज है, ऑफिस है, और मल्टीपल बिल्डिंग पे अलग अलग ONO के थ्रू उन्होंने कनेक्टिविटी किया है, और वो एक अलग अलग आइसोलेट चलाना, जैसे सपोज कीजिए चलाना चाहते हैं कि जो उनका मैनेजर का जितना कनेक्टिविटी है वो एक अलग VLAN पे चले, जो उनके कैमरा का जो कनेक्टिविटी वो अलग चले, गेस्ट वाईफाई जो बना हुआ वो अलग अलग नेटवर्क पे चले, वो भी इस चीज़ को यूज करके चला सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए OLT का यूज सिर्फ ISP के लिए ही नहीं होता है, ये मल्टीपल जगह पे अभी यूज होता है, कैमरा का नेटवर्किंग के लिए होता है, वाईफाई के नेटवर्किंग के लिए होता है, वाईफाई जोन जो बनता है वहां पे होता है, तो बहुत जगह पे इसका यूज हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, आप हमें किसी भी तरह के टेक्निकल सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट का भी जरूरत होता है तो आप ये कर सकते हैं। और ये जो मैं यहाँ पे OLT यूज कर रहा हूँ, ये एक बीसॉल का OLT है, और पता नहीं कौन से ब्रांड का है, ब्रांड देखिए ब्रांड क्या है, OLT बीसॉल का OLT में आप सभी को पता है कि जो भी वो बहुत सारे कंपनी है जो बीसॉल को OLT को बेचते हैं अपने अपना लोगो लगा के, ये भी किसी ब्रांड का है, मेरे ब्रांड दिख नहीं रहा है कहीं पे। तो अगर आपको कोई ओल्टी वोल्टी का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पास ओल्टी से लेकर सभी कुछ अवेलेबल है, आपको बहुत ही बेटर प्राइस पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.mftretails.com, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9163603252 पे। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है, कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों।